हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी अच्छी हूँ और आज मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है मेरे पास। फेसबुक पे जो मेरे नोन लोग हैं उनके मैसेजेस भी आए थे कि क्या हुआ कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। ऐसी यार, अपने को भी कुछ फ्री टाइम चाहिए था, अब मैं हो चुकी हूँ। तो आज है हमारे घर में फैमिली फंक्शन, छोटे बाबू का बर्थडे है, तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे शाम के टाइम, क्योंकि 7 बजे से है बर्थडे पार्टी। फिलहाल मैं आज सुबह 7 बजे उठ गई थी, मैंने नहा लिया 9:30 बजे तक। आज बहुत धुंध है भाई बाहर। फिलहाल अभी देखते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए क्या मैं मतलब बनाती हूँ। मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, सब कंप्लीट। अब देखते हैं क्या करते हैं खाने में। अब फिर गाइज़, मैंने नाश्ते में बनाई थी मैगी, आप देख सकते हो मैंने मसाले वाली मैगी बनाई थी। और यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो गया था, मुझे और दो। और ये आप जो रोटी देख रहे हो ये स्वाति ने बनाई थी पहली बार। तो चलिए अब हम अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं। मैंने बना दी है मैगी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब टाइम देख लो, अब 10:40 हो रहे हैं। इसकी लाई गाइस, इसको अभी हम खिला देते हैं। गाइस, गेस्ट आ चुके हैं, मेन गेस्ट आ चुके हैं हमारे घर पे जाने के लिए। एक मतलब घर पे रहेगा बेचारा। 4:30 हो गया, सोच रहे कि मैं भी रेडी होना चालू कर दूं यार गाइस, वरना लेट हो जाएंगे हम भी। गाइस, हो चुके हम लोग रेडी और हम लेट हो चुके, 6:30 बज चुके हमें घर पे, 7 बजे का फंक्शन है, फटाफट से पहुंचना है। हम सब राम कलियाँ रेडी हो चुकी हैं, अब चलते हैं। मैं आपको अपना आउटफिट वहीं पर पहुँच कर दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। लाइक कर देना, एक आ गई, हाय कर दे। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और बारिश ने बहुत दिमाग खराब कर दिया भाई। पहले जब हमने कैब बुक करी थी घर पे नहीं आ रही थी, अब हम बाहर आए विक्टोरिया स्कूल पे तो कैब अब आ रही है, कैब हमारा वेट कर रही है। बताओ, 2 कैब कैंसिल करी इन्होंने। नहीं, दुष्ट होते हैं ये लोग, किसी की मजबूरी नहीं समझते। तो चलो यार, चला भी नहीं जा रहा है। आज मैंने हील्स पहनी है, इतनी दिक्कत हो रही है भाई चलने में। गाइस क्या बताऊँ, स्टे ट्यून, बने रहना मेरे ब्लॉग में। ये गाइस, आप सब बैठ रहे हैं, मम्मी भी एरी है। जब लोग निकल चुके हैं पार्टी में जाने के लिए, इस भर भर आती हुई बारिश में। गाइस पहुंच चुके हैं भाई, 2 घंटे हमें लग चुके हैं, जाम ने दिमाग खराब कर दिया यार। चलो कोई नहीं, हाँ पहुंच गए अब हम फाइनली। गाइस हम अपनी लोकेशन पे, मुझे दिखाइए जरा, होस्टेड बाय। ये गाइस मिलते हैं अपने बाबू से। गाइस मैं तो फोटो खींच खींच के परेशान हो गई, और मैं अभी कुछ खाने के लिए आई हूँ। देखते हैं हम क्या ले पाते हैं स्टार्टर्स में।
गाइज आप लोग सोच रहे हो गए ये जो छोटी सी बच्ची है ये कौन है। गाइज ये हमारी छोटी वाली बुआ की लड़की है, अभी 3-2 महीने की है, इतनी प्यारी है गाइज, बस क्या ही बताऊं भाई, बहुत प्यारी। गाइज बुआ और मैं शायद हम 1.5 साल बाद मिले हैं, क्योंकि बुआ का बेबी होने वाला था तो फिर बुआ नहीं आई थी मतलब दिल्ली, क्योंकि बुआ हल्द्वानी रहती है। तो हम अपनी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि थोड़ी बहुत गाने की आवाज़ भी आ रही थी, फिर थोड़ा हल्का फुल्का कॉपीराइट का सीन भी रहता है। तो यहाँ पर हम अपना थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम इन्जॉय कर रहे थे और आप देख सकते हो ये है मेरी सहेली। तो चलो अब चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि लेट हो रहा है, कैब भी भाई ने बुक कर दी थी बहुत ही टाइम पे आज। बाय फूफा जी, बाय बाय लड्डू, गुन्नी बाय कर दे, बाय कर दे, बाय, चलो बाय बाय भाभी। इधर कब आ रहे हो? अब आएंगे 3-4 दिन में आएंगे। अम्मा जा रहे हैं, प्रणाम। बाय चाची, बाय विधान, बाय। जा रहे गुंडी। बाय। निकल गए हम लोग गाइस, हमारी कैब आ चुकी है, 10:30 हो चुके हैं, हमारा दोनों भी अकेले हैं, हमको इस वजह से फंक्शन आधा छोड़ के आ रहा पड़ा। कहाँ है कैब? मार ठंडा हो रहा है यार, खतरनाक हो रहा है भाई। गई है गाइस हमारी कैब, चलते हैं अब घर की तरफ। गाइस हम थक चुके हैं और अभी मैं आधी रात को उठ के अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। गाइस वेदांत को बहुत सारी बर्थडे विशेस दे देना, तो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत थकी हूँ मैं, इट्स बाय।